झारखंड विधानसभा में कैश कांड की गूंज रही। इस बीच बंगाल सीआईडी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि इरफान अंसारी ने पूछताछ में ये स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस के कुछ और विधायक हेमंत सरकार गिराने की साजिश में शामिल है। हालांकि वो विधायक कौन है उनके नामों का खुलासा नहीं हो सका है। मैं तो कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हैं और इसकी पूरी जांच होना चाहिए। पार्टी को भी इसमें जांच करनी चाहिए, सरकार भी जांच करे, हमारे कांग्रेस पार्टी को इससे कड़ा रुख अपनाना चाहिए। मैं तो आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व को कि इस पर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, तह तक जाना चाहिए और हर हालात में वैसे लोगों को मैंने एक तरफ से निष्कास बाहर का रास्ता दिखा देना है। इस बीच भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने दावा किया है कि झामुमो और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। झारखंड की हेमंत सरकार आज गिरे या कल, लेकिन इस सरकार की अकाल मृत्यु निश्चित है। ये कितना भी घड़ियाली आंसू बहा ले, स्पष्ट हो गया है कि दो अल्पसंख्यक यानी एक ईसाई और दूसरा और मुसलमान और एक बेचारा आदिवासी, ये तीन लोग जो है फंसवाने का काम कांग्रेस ने किया है। जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, उसके बाद कांग्रेस के आंख खुले और वो अपने ही कांग्रेस के विधायकों को बलि चढ़ाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया। झारखंड में सरकार उनकी, बंगाल में सरकार उनकी, झारखंड की पुलिस उनकी, बंगाल की पुलिस उनकी, विधायक उनके, पैसे उनके, गाड़ी उनके। कैश कांड पर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानों के तीर तो चल ही रहे थे। इसी बीच निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खामोशी का मतलब है कि वे जानबूझकर झारखंड की बदनामी के साथ हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थक तीन विधायक ये पैसे के साथ पकड़े जाते हैं, इसमें मुख्यमंत्री जी को चुप नहीं रहना चाहिए। मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ, उनसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तो माना जाएगा कि मौनम स्वीकार लक्षणम। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बात पर लगभग सहमत दिखा कि भले ही कांग्रेस के सिर्फ तीन विधायक कैश के साथ पकड़े गए हैं, लेकिन इस साजिश में कई और विधायक शामिल हैं। इसके साथ ही जिस तरह से जाल बिछाकर तीनों विधायकों को पकड़वाया गया, उससे कांग्रेस के अंदर चल रहे घमासान की भी तस्दीक होती है। कैमरामैन प्रशांत के साथ रांची से समाचार प्लस के लिए पंकज प्रसून की रिपोर्ट।